देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। हम आपको बता दें कि सरकारें वादा करती हैं कि गरीब सुरक्षित है, गरीब की जमीनों पर दबंगों का कब्जा नहीं हो रहा है और गरीब को हम बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं ग्राम गोईतीपुरवा मजरा कपासी थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ में, जहां पर एक गरीब किसान दुर्जन यादव जी का कहना है कि गांव के ही प्रधान और कुछ दबंगों के द्वारा उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, वहां पर आंगनबाड़ी का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने SDM महोदय से इस बात की लिखित जानकारी दी और SDM से भी कहा कि आप हमारी जमीन की पैमाइश करा दीजिए, हमारा जो गाटा संख्या है वो 315 है, इनको निर्माण 316 पर कराना है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। SDM महोदय ने उनसे ये भी कहा कि आप बार बार हमारे पास मत आइए, लेखपाल उनका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, पैमाइश के कागज नहीं दे रहे हैं और पुलिस जो है वो दबंगों का साथ दे रही है। उन्होंने हमें जानकारी दी है कि उनके साथ बिल्कुल किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हो रहा है, उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हम आपको दिखा दें यहाँ पर ये निर्माण हो रहा है और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा है, कोई ध्यान नहीं देता है। हम चलते हैं दुर्जन यादव जी से बात करते हैं, उनकी समस्या समझते हैं कि उनका क्या मामला है और पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। ये दुर्जन यादव जी के लड़के हैं, बड़े लड़के हैं, तो ये बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। ये बताइए आप, आपका पूरा मामला क्या है, मतलब क्या हुआ है आपके साथ? यहाँ पर 316 में ग्राम बनाया जाता था। हाँ, 315 बन बना रहे वजह से। हाँ, 316 में आंगनबाड़ी आदेश हुआ है। अच्छा, 316 में SDM के द्वारा आदेश हुआ है और 315 में जबरन निर्माण कराया जा रहा है। जी हाँ, इनका कहना है कि 316 में आदेश किया है SDM महोदय ने और 315 में जबरन निर्माण कराया जा रहा है। तो आपने जो जबरन निर्माण हो रहा है इसकी लिखित सूचना थाने पर दी है? थाने पर दी, SDM को भी, तहसीलदार को भी, उनका लेखपाल को भी मौके पर बुलाया है। हाँ हाँ, वो हमारा पूरा नंबर 313 में तालाब में तैरिया के तालाब में आपका रकबा पूरा। अच्छा अच्छा, तो SDM महोदय ने क्या कहा जब आपने 316 SDM महोदय को बताया कि 316 में हमारा मतलब है ये पास है और 315 में लोग बनवा रहे हैं, तो SDM महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमारी टीम बता रही कि ग्राम समाज उसर में बना रहे, 315 में नहीं बना। हमने कहा अगर कितने पैमाइश की उसकी रिपोर्ट दीजिए, रिपोर्ट नहीं देंगे सर 5 तारीख बाद देंगे। अच्छा, रिपोर्ट कह रहे हैं कि 5 तारीख के बाद देंगे तब निर्माण हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और लेखपाल हिमांशु प्रधान कह रहे हैं कि हमारे पास जाओ केस कर लो, क्या कर लोगे हमारे पास, इसमें हाईकोर्ट दीवानी से बन रहे हैं। अच्छा, कहीं पर पैरवी नहीं हो रही है, उन्हीं पास जा रहे हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि हाईकोर्ट और दीवानी बंद है और कहीं पर इनकी पैरवी नहीं हो जा रही है। चाचा से बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? दुर्जन यादव। आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए, आप अपनी बात बताइए, क्या क्या समस्या है? हमारा नंबर हमका चेक। ये बेचारे बहुत परेशान हैं, देखिए रोने की स्थिति में है, ये कह रहे हैं कि मुझे मेरा नंबर चाहिए। SDM महोदय से अनुरोध है कि वो इनका नंबर दें और मतलब इनके साथ एक अच्छा न्याय किया जा सके। ये इनकी माता जी हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब क्या समस्या है? अच्छा, इन पांच दफा ले पांच मरतबे ले हमारे यहाँ प्रधान हमका पुलिस द्वारा सिस्टम पुलिस लेकर पकड़ाने आता है, दबंग दिखाता है, हमारा सुनवाई नहीं करता। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि प्रधान जबरदस्ती कर रहा है? प्रधान। अच्छा, तो ये प्रधान आपकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा क्यों कर रहे हैं? ये प्रधान जो ऊसर जमीन वो है 316। हाँ हाँ, वो क्या है हमारी वो टंकी मतलब मामला है, ठीक है, वो टंकी है तो वो जबरन यहाँ पर निर्माण करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें सुनवाई हो नहीं रही कहीं पर। हाँ, वो कल रिपोर्ट भी नहीं दे रहे हैं, लेखपाल कह रहे 50,000 रुपये मिल लीजिए तब रिपोर्ट आपको। अच्छा, हम आपको दिखाते हैं कि ये यहाँ पर निर्माण हो रहा है, देखिए जरा आप, ये निर्माण चल रहा है देखिए, और ऐसे मतलब होता है चीज़ें। अब इनकी कहाँ पे सुनवाई की जाए? और ये परिवार है और इनका कहना है कि इनका मतलब आपका ये कहना है कि SDM जो है वो अभी आपको कोई कागज नहीं आपको बताए, कोई पद की पैमाइश हमने करवाई उसका अभी अभी नहीं दे रहे। अच्छा, ये क्या है आपके हाथ में? ये हथबरारी का है कागज। अच्छा, ये हथबरारी का कागज, पैमाइश हो चुकी, उसकी रिपोर्ट नहीं दे, 8 दिन हो चुके हैं। अच्छा, बता रही 5 जुलाई को देंगे, पहले हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यही हम आपको बता दें कि चीज़ें ऐसे ही हैं, गरीबों के साथ बिल्कुल न्याय वाली कोई व्यवस्था नहीं है। इनका जो आरोप है उनका ये कहना है कि दबंग प्रधान और हमारे परिवार के कुछ जलने वाले लोग मिलकर हमारे साथ ये धोखाधड़ी का मामला कर रहे हैं, हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कराया जा रहा है और ये मजरा कपासी लगता है, थाना गुडम्बा लगता है, पुलिस भी इनकी मदद नहीं कर रही है। कैमरामैन गोविंद के साथ आशीष दीक्षित की रिपोर्ट, लखनऊ।